आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद साहिल चांद। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अगर आप लोग भी सीटेट 2020 का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। आज की सीट आप लोगों को बताऊंगा कि सीटेट 2020 का एग्ज़ाम आप लोगों को 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो सीटेट 2020 का फॉर्म है इसका 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन जो प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा या नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस काफ़ी और तेज़ी से अब बढ़ रहा है, तो इसके कारण काफ़ी सारे मेरे दोस्त तो परेशान हैं कि इस बार का जो सीटेट 2020 का एग्ज़ाम है 5 जुलाई को होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को 100% होगा, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई कि इस एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसका मतलब न्यूज़पेपर में इसके बारे में बताया गया था कि इसके कुल रोल्स होंगे तभी एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये आप मान के चलिए कि आपका 5 जुलाई को एग्ज़ाम 100% होगा, पोस्टपोन अभी नहीं हुआ है, स्थगित नहीं हुआ आपका एग्ज़ाम, आपका 5 जुलाई को 100% एग्ज़ाम होगा। आपको एग्ज़ाम में क्या क्या करना पड़ेगा, चार पांच चीज़ें हैं मैं आपको बताए दे रहा हूँ। जैसे कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम टाइम से आपको 2 घंटे आपको सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि आपका 9 बजे से एग्ज़ाम है तो आपको 7 बजे ही सेंटर पे पहुंच जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर पे आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। अगर आप लोग मास्क लगा के सेंटर पे नहीं जाते हैं तो आपको प्रवेश करने से वर्जित कर दिया जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। उसके बाद जैसे एक क्लास में 30 छात्र बैठते हैं तो वहाँ पे 15 ही छात्र बैठाए जाएंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। ये तीसरी चीज़ हो गई। उसके बाद सैनिटाइज़र वगैरह आपको कॉलेज में ही दिया जाएगा, तो आप लोगों को मास्क लगा के जाना है और एग्ज़ाम टाइम से आपको 2 घंटे पहले जाना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग वो कॉलेज का काम है, वो आप लोगों को करना नहीं है, वो कॉलेज वाले खुद करवाएंगे। तो ये चार पांच चीज़ें हैं। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आता है तो उसमें भी आपको निर्देश दिया जाएगा क्या क्या करना है, आपको क्या लेके जाना है। तो अभी एडमिट कार्ड इसका जारी नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड मान के चलिए आप लोगों का एडमिट कार्ड जून के दूसरे सप्ताह में आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई भी सीटेट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और जैसे ही कोई भी सीटेट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, आप लोगों का बस 1 महीने आप लोगों का बिल्कुल फिट समय 1 महीने आपका बचा है, मात्र 30 दिन आप लोगों को टाइम बचा है। तो आप लोग तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र परेशान हैं कि उनका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा या नहीं होगा, हम अपनी प्रिपरेशन करें या ना करें। तो आप लोग इस टेंशन को निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि ये डेट बढ़ सकती है, तो 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि SSC ने भी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है, वो अगस्त से अपना एग्ज़ाम करवा रही है, और UP पुलिस का जेल वार्डर एंड हॉर्स राइडर एंड फायरमैन की जो वैकेंसी आई थी 2019 में, वो भी अपना एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, बट वो लोग मंथ में बता दिए हैं कि हमारा इस मंथ में एग्ज़ाम होगा। तो लगभग सभी एग्ज़ाम्स जो जो स्थगित हुए थे वो एग्ज़ाम्स अब होंगे, लास्ट जुलाई और स्टार्टिंग अगस्त से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे। मैं स्पेशली आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें सीटेट के बारे में, तो एग्ज़ाम आप लोगों का 5 जुलाई को होगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेशन करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के